हे स्टूडेंट, वेलकम सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल है, लेकिन कई बार हमें एक दो नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको जानना जरूरी है और इसका कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से रिलेटेड है। इसके अलावा आपने क्या पढ़ रखा है पहले एक्सरसाइज में, एडिटिव इनवर्स पढ़ा था। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता था कि हमें आंसर 0 लाना रहता था, यानी कोई भी अगर हमें नंबर दिया हुआ है तो उसमें हमें ऐसा नंबर लिखना रहता था उसके साथ, ताकि आंसर जो हो उसको ऐड करने के बाद 0 हो जाए। लेकिन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में ऐसा नहीं है ना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में हमको 0 नहीं लाना है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर का हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि फिर तो सभी नंबर का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमको आंसर क्या लाना है, 1 लाना है, यानी कि इस नंबर का किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर जो हो 1 आ जाए, यहाँ पर हमको ये बताना है, ठीक है। और वहाँ पर एडिटिव में 0 लाना था, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा के लिए, ताकि आपको आगे चल करके जब पूछा जाए क्लास 10 में वगैरह में तो आपको ये पता हो। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसको सॉल्व करना आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेटिव यूनिवर्स कैसे लिखा जाता है। और उसके अलावा आपको बता दूं कि जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया है इस एक्सरसाइज के या प्रीवियस एक्सरसाइज के, उनका लिंक या फिर नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के लिंक है, नेक्स्ट चैप्टर के जो लिंक है, वो सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां जाकर के आप किसी भी लिंक में टच करो और जो वीडियो आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे जितने भी चैप्टर्स का मैंने वीडियो बना दिया उनका। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना। ये देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 13/25। इसका हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखना है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ही क्या कहलाता है, रेसिप्रोकॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना होगा, यानी कि देखो मैंने आपको बता दिया ना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, कि इस नंबर में कितना का मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 आ जाए। तो हम बताओ इस नंबर में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आएगा, तो मैं बताऊँ आपको, अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसी के नंबर के रेसिप्रोकॉल से कर देते हैं, यानी कि 25/13 से कर देंगे ना, तो इसका जो आंसर होगा ना 1 आ जाएगा। कैसे 1 आ जाएगा, 25 बन जाए 25, ऊपर में 25 बन जाए 25, नीचे 13 बन जाए 13, और यहां पर भी 13 बन जाए 13। तो देखो आपका आंसर 1 बन जाए 1, नीचे में 1 बन जाए 1 आ गया। तो 1/1 को लिखने से अच्छा हम डायरेक्ट उसको क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो जब कभी भी हमको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, उसी नंबर को ऊपर नीचे करके लिख देते हैं, उसका रेसिप्रोकॉल लिख देते हैं। रेसिप्रोकॉल का मतलब ही होता है डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाना, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले आना, समझ में आ गया बात। तो इसका मतलब कि जो हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 13/25 का, वो कितना होगा, 25/13 जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना, ये ध्यान रखना अपना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए केवल किया था, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है कि 25/13 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 13/25। इस तरीके का सिंपल से स्टेटमेंट बना करके आंसर आपका कंप्लीट, यानी ये जो होगा हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा। एक मैंने बताया और आ जाओ थोड़ा सा और टफ वाला सॉल्व करते हैं, तो सिंपल था हमारा। अब आते हैं हम -17/12 में, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा हमारा, 12/-17 हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जब हमने पहला वाला एक्सरसाइज पढ़ा था इस चैप्टर का, तब मैंने आपको बताया था ना कि जो माइनस का साइन होता है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, या तो वो न्यूमिनेटर में रहता है या फिर उसको बीच में लिखा जाता है, समझ में आ रहा बात ना, जैसे यहाँ पर लिखा गया ना न्यूमिनेटर में उस तरीके से। तो इसका जो हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा ना -17/12 का, वो कितना हो जाएगा एक्चुअल में, वो हो जाएगा -12/17, यानी ये दोनों तो ऊपर नीचे चल ही जाएंगे, लेकिन जो माइनस का साइन रहेगा वो ऊपर में ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना। अगर नीचे में भी दिया रहता माइनस का साइन ना, तो उसको हम लोग को ऊपर में लिखना रहता। तो इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो हो जाएगा हमारा -12/17। और नंबर ले लेते हैं, थोड़ा टफ नंबर लेते हैं, जैसे कि थर्ड वाला तो सेम है, 4 ले लेते हैं, उसमें हो सकता है आप कन्फ्यूज हो जाओ, जैसे कि 18 दिया हुआ है, ठीक है। तो 18 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना होगा, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हमको पता तो यही है कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं नंबर्स को, तो इसके नीचे कुछ होगा तभी तो करेंगे ना, तो इसके नीचे क्या है, एक 1 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। अगर किसी भी नंबर के नीचे में कुछ नहीं दिया तो वहाँ पर एक 1 छुपा हुआ रहता है, या बचपन से सीखते आए सुनते आए हो, तो यहाँ पर हम 1 को ऊपर में लिख लेंगे, 18 को नीचे में लिख देंगे, बस यही इसका जो होगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा। 18 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/18, ये हो गया 4। 5 भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, -16 दिया हुआ है, तो -16 का कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। और ये जो माइनस का साइन है ये नीचे 16 के पास नहीं आएगा, ये ध्यान रखना ना, ये ऊपर में ही रहेगा, समझ में आ गया बात। ये नहीं कि इसको माइनस, मतलब 1/-16 लिख दोगे तो वो आंसर आपका फाइनल आंसर नहीं कहलाएगा, उसके बाद फिर आपको अगले स्टेप में जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना उस तरीके से लिखना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट इसको माइनस का साइन को ऊपर ही लिख दो। आज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें भी हो सकता है बच्चे कन्फ्यूज हो जाए, जैसे कि -3/-5, ये कन्फ्यूज करने के लिए ही दिया ही गया है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पहले भी आए थे, तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर निगेटिव हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्चुअल में पॉजिटिव है, माइनस और ये जो माइनस है ना आपस में कट हो जाते हैं, यानी कि -3 और -5 जो होता है एक्चुअल में 3/5 होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कई बार। तो यहाँ पर हमारा 3/5 दिया हुआ है, 3/5 का हमारा रेसिप्रोकॉल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकॉल यानी कि वही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, वो हो जाएगा हमारा 5/3, बस ऊपर नीचे कर दो। तो आपको अगर कन्फ्यूजन होगा तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो माइनस और माइनस रहता है ना वो कट हो जाता है एक्चुअल में, यानी कि अगर न्यूमिनेटर में ही माइनस है डिनोमिनेटर में ही माइनस है तो वो कट हो जाता है और वो 3/5 बन जाता है। तो 5/3 का जो रेसिप्रोकॉल
प्रोटोकॉल होगा उल्टा होगा, वो 5/3 हो जाएगा, यानी 3/5 का 5/3। और कुछ है क्या उल्टा सीधा क्वेश्चन, जैसे कि हाँ एक और दिया हुआ है हमें यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, -1, तो -1 का रेसिप्रोकॉल कितना हो जाएगा ये चेक करते हैं। -1 के नीचे क्या है, 1 छुपा हुआ है, तो ये जो 1 आएगा ऊपर में आ जाएगा और ये वाला जो -1 था वो नीचे में आ जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि माइनस का साइन जो रहता है ऊपर में ही रहता है, यानी कि ये -1 ही जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, यानी कि -1 का जो रेसिप्रोकॉल होगा वो -1 हो जाएगा। 1 का उसी तरीके से रेसिप्रोकॉल 1 ही होता है, समझ में आया ना, जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था ना 0 ही एक ऐसा नंबर है जो एडिटिव इनवर्स है खुद का, नेगेटिव है खुद का, उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 1, -1 जो है -1 उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें तो कई बार बच्चे क्या होते हैं इनको पता ही नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब शुरू से मुझे भी बहुत ज़्यादा समय तक, यानी कि मैं शायद 10th पढ़ता था उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि अगर हम लोग इस तरीके से 0 को लिखते हैं तो उसका आंसर कितना होता है। तो देखो, अगर हम किसी नंबर को 0/2 लिखते हैं ना, तो इसका आंसर होता है 0, मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं बता रहा हूँ ना, डिवाइड करके बता रहा हूँ कि 0 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग 2/0 लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इसका कोई आंसर ही नहीं होता है, इनडिफिनाइट होता है ये, यानी कि इसको हम लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं है। यानी कि देखो, डिवाइड का मतलब ही होता है कि कम से कम 1 से डिवाइड करना, चाहे आप 0 को करो, चाहे 100 को करो, चाहे 1000 को करो, कम से कम नीचे में हमको 1 लिखना ही पड़ेगा। अगर नीचे में आप 0 लिख देते हो तो फिर वो तो डिवाइड कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि फिर वो 0 हो जा रहा है, और डिवाइड का मतलब होता है बांटना, डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, समझ आ रहा है ना। तो अगर 2/0 है तो उसका कुछ आंसर ही नहीं होता है, यानी कि अगर हम लोग 0/2 का हम लोग अगर ये लिखते हैं, 2/0 लिख देते हैं ना रेसिप्रोकॉल, तो ये हो जाएगा हमारा गलत, यानी कि 0/2 का जो रेसिप्रोकॉल होता है वो होता ही नहीं, ये ध्यान रखना आप। यानी कि अगर 0 है लिखा हुआ और उसके नीचे में आप 2 लिखो, 3 लिखो, 1 लिखो, कुछ भी लिखो, उसका रेसिप्रोकॉल नहीं होता, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, ये ध्यान में रखना, समझ आ गया बात। आगे देखते हैं क्या हमारे पास, 2/-5 है और फिर -1/8 है, तो कोई सा भी एक बना देता हूँ, जैसे कि मैं 9 वाला बना देता हूँ, 2/-5 है, तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, ये 5 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन जो है वो ऊपर में चल जाएगा, यानी कि अगर नीचे है तो भी उसको ऊपर में ही लिखना है माइनस साइन, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2/-5 का जो रेसिप्रोकॉल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, वो -5/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये मैंने बता दिया। आइए एक और सेम टाइप से ये भी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है। तो देखो, इसमें हमको वैल्यू बोला गया 6 नंबर में, 5/8 के पावर में -1 है, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ पर पावर में -1 है। तो जब कभी भी पावर में -1 रहता है तो उसका मतलब यही होता है कि जो अंदर में आपको दिया हुआ है ना, उसका आपको रेसिप्रोकॉल लिखना है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। जैसे यहाँ पर 5 नंबर में हिसाब से बोला गया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का वर्ड भी यूज़ नहीं किया गया, केवल वैल्यू यूज़ किया गया वर्ड, समझ आ रहा है ना। तो पावर में -1 का मतलब ही है कि हमको क्या करना है कि ब्रैकेट के अंदर या फिर जो भी जिसके भी पावर -1 है उसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, उल्टा लिखना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट वाले में कितना दिया हुआ है 6 का, यहाँ पर दिया हुआ है हमें 5/8 ब्रैकेट के बाहर में पावर में -1 ये दिया हुआ था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, सिंपली 8/5 हो जाएगा। समझ आ गया बात ना, यानी कि -1 के बदले हम क्या करते हैं इसको रेसिप्रोकॉल लिख देते हैं। उसके बाद 2 नंबर में हमें कितना दिया हुआ है, -4/9 दिया हुआ है, पावर में -1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा ये, और ये माइनस साइन जो रहेगा ऊपर में ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया ना, नीचे यानी कि -4 नीचे लिख दिए, तो ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा 3rd नंबर में -7 दिया हुआ है और पावर में -1 है, तो हम जानते हैं कि -7 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/7, और ये माइनस का साइन जो रहेगा ये बीच में ही रहेगा, ऊपर में ही रहेगा, समझ में आ गया बात। और ये बस इसी का फाइनल आंसर हो गया। उस तरीके से 4 नंबर में हमारे पास 1/-3 दिया हुआ है, पावर में -1 लिखा हुआ है, तो इसका उल्टा क्या करेंगे हम, उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3/1 हो जाएगा, माइनस का साइन तो ऊपर ही रहना ही चाहिए, अगर नीचे भी आता तो भी हम ऊपर में ही लिखते, तो ये तो ऊपर चली गया खुद से ही, और इसके पावर में कुछ नहीं लिखना, यानी कि -1 के बदले हम क्या करते हैं उसको ऊपर नीचे लिख देते हैं, तो -3/1 हो जाएगा। तो इसको हम डिनोमिनेटर में 1 है उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हम -3 भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसको आप छोड़ सकते हो, लिखना जरूरी नहीं रहता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 5 और 6 जो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे हमारे, उसको कैसे सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।